हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूँ पार्ट नंबर फाइव, लेक्चर नंबर फाइव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास ट्वेल्थ, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। तो मैंने पिछले पार्ट में आपको वेक्टर फॉर्म के बारे में बताया था, आज मैं लेके आ गया हूँ कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मुझे थोड़ा सा एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दें कि वेक्टर फॉर्म होता क्या है। तो मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके लिख लें, जो भी आप कर सकते कर लें, ये क्वेश्चंस रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एक्चुअली में पढ़ा था कि कूलम्स लॉ क्या होता है और उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो उसी को थोड़ा सा एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कूलम्स लॉ ने बताया था कि जो फोर्स होता है, उस फोर्स की जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड दीज टू चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस एंड के इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट वेयर द वैल्यू ऑफ के लाइज इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस वेयर द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10^-12। और इसकी यूनिट जस्ट इसकी रेसिप्रोकल होती है, यानी सेंट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुछ इस तरह से मैंने बात करी थी। और के की यूनिट तो आपको पता ही था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी तो एफ की थी न्यूटन, और के की जो यूनिट थी वो थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और उसकी जस्ट अपोजिट एप्सिलॉन नॉट की यूनिट थी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतनी हम बात कर चुके थे। फिर मैंने अगले वीडियो में आपको बताया कि व्हाट इज वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म एक बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया और उसने कमेंट किया, तो मैं उसका कमेंट लूंगा और उसके इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। एक बार और फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से। देखो क्या है बेटा, सुनना बेटा, कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैं आपको बता चुका था कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जैसे 4 किलोमीटर नॉर्थ, अब तुम भैया जा रहे हो, 4 किलोमीटर जाना है, मम्मी ने बोल दिया बेटा घूम के आ जाओ, 2 किलोमीटर रोज घूमना चाहिए, तो तुम कहीं भी जा सकते हो, इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन वेयर यू वॉन्ट टू गो। बट इफ किसी ने बोल दिया कि बेटा आपको यहां से उस दुकान से ही सामान लेके आना है, तो यू हैव दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट मींस दैट यू हैव मैग्नीट्यूड कि कितना जाना है और कहां जाना है, दैट इज द डायरेक्शन। इफ अ क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट द क्वांटिटी इज हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, देन दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी कहलाती थी वो? स्केलर क्वांटिटी कहलाती थी। अब आप बोलोगे सर अब मुझे कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म समझ में नहीं आया। देखो क्या है, अब क्या था कि ये जो न्यूटन होता है या फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर फॉर्म होता है। अब देखो ये स्केलर हो गया, ये भी स्केलर हो गया, ये भी स्केलर हो गया, यहां पर मैंने कोई वेक्टर दिखाया नहीं इसका, यानी मुझे ये जो पूरा फॉर्मूला मिला कूलम्स का वो स्केलर फॉर्म में मिला। किस में मिला? स्केलर फॉर्म में। अब मुझे इसी का वेक्टर फॉर्म चाहिए, मतलब विथ डायरेक्शन। अब मैं बहुत अच्छे से एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल 11th का थोड़ा सा वेक्टर आपको पढ़ के आना पड़ेगा, और कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर वेक्टर नहीं आता तो 11th का मैं वेक्टर एक बार और समझा दूंगा, पैलोग्राम, ट्राइंगुलर मेथड, पैलोग्राम एडिशन, मैं सारा समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल ये किसी प्लेन पर, यह है एक्स और यह है वाई, मैं डायरेक्शन के साथ समझा रहा हूँ आपको, यह है एक्स और यह है वाई, और यहाँ पर एक चार्ज बैठा है क्यू वन और एक चार्ज बैठा है क्यू टू, समझना मेरी बात बहुत अच्छे से। और इसका जो डायरेक्शन, इसका जो डिस्टेंस दिया है, ये दिया हुआ है आर वन। कहाँ से दिया हुआ बेटा? ये दिया है बेटा ओरिजिन से, जीरो जीरो से। अब आपको समझ में आएगी चीज़। और ये जो है ये आपको दिया है R2 फ्रॉम द ओरिजिन, Q2 की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब मुझे चाहिए Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, देखना बहुत अच्छे से, तो
तो क्या ये R1 वेक्टर है? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, R1 वेक्टर है। क्या ये R2 वेक्टर है? बिल्कुल सही बात है सर, ये R2 वेक्टर है, हमें वेक्टर फॉर्म में ही चाहिए। अब मुझे Q1 से Q2 जाना है, तो फॉर्मूला होता था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 माइनस R1 का वेक्टर, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इन द प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने आपको समझ में आ रहा होगा अब कि एक्चुअली जब मैं ये ऐसे नहीं बनाया था, मैंने दो चार्ज बना दिए Q1 और Q2, सर ये दोनों डिस्टेंस इतने डिस्टेंस पर है, लेकिन ये एक्चुअली में मान लीजिए अगर वो इस प्लेन पर हो तो आएगा R2 माइनस R1, अगर मैं जा रहा हूं Q1 से Q2 इस डायरेक्शन में। अगर मैं Q2 से Q1 आ रहा हूं तो वही हो जाएगा Q2 से Q1 फाइनल R1 माइनस R2 वेक्टर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस और द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू चार्जेस। अब मेरे ख्याल से आपको बातें क्लियर हुई होंगी। अब देखो ये छाप लो, बिल्कुल छाप लो इसको। अब मैं समझाता हूँ कि अच्छा यहीं पर समझाता हूँ, देखना अगर यहाँ दिख रहा हो तो देखो। हाँ यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है देखो। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये अगर मैं मान लूँ कि ये दोनों डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। अगर मैं जा रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, R1 माइनस R2 मतलब मैं R2 से या Q2 से Q1 आ रहा हूँ, यानी Q2 से Q1 आने पर मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना आया, R1 माइनस R2। लेकिन बेटा अभी भी ये वेक्टर नहीं है, अब मुझे लगाना है इस पर वेक्टर, तो मैं इसका लगा दूंगा डायरेक्शन कोसाइन, जिसको डायरेक्शन लगा दूंगा और कैप लगा दूंगा, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, R1 माइनस R2 का कैप की जो वैल्यू होगी, यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो यह है R1 माइनस R2 के कैप की जो वैल्यू होगी वो होगी R1 माइनस R2 वेक्टर माय R1 माइनस R2 का मॉड, और बस यहीं पर हमें इसको पुट करना है, और ये आ जाएगा, इसको कैप हटा के इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कैप ये वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, और ये तो होल स्क्वायर था, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था वो होल स्क्वायर था, ये तो एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर इंटू, अगर स्क्वायर को एक और बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि F वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। दिस इज नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यह है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हो तो फिर से एक बार कमेंट कर देना, मैं और दूसरे तरीके ला दूंगा आपको समझाने के लिए। चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में चार क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हैं, इन चारों क्वेश्चनों को मैं एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4th है, ये मैं आपको कोशिश करूंगा होमवर्क देने की, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो, नहीं तो हम इसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसको एक बार अटेम्प्ट जरूर करना, बड़ा मजा आएगा आपको। कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन समझ में तो आ जाएगा, लेकिन करना कैसे वो समझ में नहीं आएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। चलिए तो पहला क्वेश्चन NCERT का लेके आए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आप सब लोग क्वेश्चन पढ़ लें, मैं आपके लिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ दूंगा कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज। देखो इसने बोल दिया है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज, ये NCERT का क्वेश्चन है। स्मॉल चार्जेस स्फीयर चार्ज स्पेयर हैविंग चार्ज 2×10⁻⁷, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां सी लिखा है यानी कूलम। एक बात बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, मेक इट अ पॉइंट कि अगर आपकी सारी यूनिट्स SI यूनिट्स में हैं तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर SI यूनिट में नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द यूनिट इंटू SI यूनिट और फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, कभी गलती नहीं होगी, पहली टिप। चलो आगे बढ़ते हैं, तो पहले एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। देखो ये पॉइंट चार्जेस है, इसने बता दिया क्योंकि हमें पता है
और अगर देखो कुछ नहीं दिया होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वो बताता है किताबों में, लेकिन अगर उसने नहीं बताया है कि भाई ये चार्ज कैसे हैं स्पेयर के अंदर, तो आपको उसको पॉइंट चार्ज मानना है। इसने स्मॉल चार्ज बोल दिया यानी पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो उसने बोला कि टू चार्जेस Q1 एंड Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा, हमें क्या मतलब, हमें तो Q1 की Q2 की वैल्यू पता है, तो वो कितनी है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और यहाँ पर Q2 की जो वैल्यू है, Q2 की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है बेटा 3 × 10⁻⁷ कूलम, यानी हमारा पूरा जो फॉर्मूला था वो कूलम और कूलम में चल रहा था, प्लस हमारा जो दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितने डिस्टेंस पर है, दोनों ही 30 मीटर की डिस्टेंस, 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमें कहीं ना कहीं यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। सबको पता होगा कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, सर एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो एक सेंटीमीटर में होता है 1/100 meters, यानी 1 centimeter इज इक्वल टू 10⁻²। ठीक है, पक्का, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको या तो डिवाइड कर दो 100 से या इंटू 10⁻², कर दो, कोई इशू नहीं है, इतना समझ में आया, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी आ गया, वो कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 0.3 meters, 0.3 meter, यानी 30 / 100 meters, तो 0.3 आता है। अब क्या करें, कुछ नहीं, कूलम बाबा ने एक चीज बताई है, मैग्नीट्यूड बताना, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स निकालना है हमें, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सर के की वैल्यू है, बेटा मैंने आपको बताई थी के इज इक्वल टू 9 × 10⁹, ये ध्यान रखना, के की वैल्यू बता रखी है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसकी यूनिट रट लो यार, यूनिट नहीं लिखते ना बेटा तो हमारे नंबर कटते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। के की यूनिट आपको वैल्यू बताई थी 9 × 10⁹, अब हमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर जो आएगा वो न्यूटन में आएगा, देखना कितना मजा आने वाला है। के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू कितना चार्ज, पहला 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय, बता दो आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.3 × 0.3 स्क्वायर। अब देखो एक पॉइंट हटा, एक और पॉइंट हटा, कितने के दो डिजिट लग जाएंगी ऊपर, यानी 200 लग जाएंगे, यानी 210 लग जाएंगे, सॉरी, तो 1 2 0 लगा दी हमने। अब देखो पहले तो हमें ना 10 10 10 सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 3 3 से कितना हो गया 9 9 से 9 मर गया, 2 3 6 × 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2 2 में से 7 जाएगा तो -5 और -5 में फिर -2 प्लस मतलब अगर -5 में मैं फिर +2 कर दूंगा तो आंसर आएगा -3 यानी 10⁻³ न्यूटन फोर्स। बहुत बढ़िया, गलत तो नहीं, एक बार चेक कर लें, 9 से 9 मर गया 10 9 7 3 2 6 आ गया 10 7 कितना 2 2 7 -5 और -5 + 2 -3, सही, बिल्कुल सही आ गया, इजी। पहला सवाल एनसीईआरटी का सड़ा सा सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, स्केलर फॉर्म में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन नंबर 2 लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। आपको क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिए होंगे, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जो भी तुम्हें करना है, लेकिन मेरी बात मानो कि क्वेश्चन को उतार लो अपनी किताबों में, कॉपी में, स्क्रीनशॉट पर बिलीव मत रखो, अपनी किताबों का और कॉपियों का ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बढ़िया, टू चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड एट 20 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 20 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर, व्हाट विल बी द फोर्स इफ द सेपरेशन इज इंक्रीज्ड टू 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी ग्रामर है, बहुत बढ़िया ग्रामर है, प्रीपोजिशन, अच्छे अच्छे बच्चे जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, मैं आपको अभी समझाता हूं। टू चार्जेस बना लो भाई, टू चार्जेस स्पेयर, एक है Q1 सर, एक है Q2, हमें अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट, अच्छा इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दिया है क्या, नहीं इसमें तो चार्ज ही नहीं दिए सर, कैसे होगा सॉल्व, चलो देखते हैं। हमने माना कि लेट देयर आर टू चार्जेस, लेट Q1 एंड Q2,
आर सेपरेटेड एट कितना, पहले कितना दे रखा था उसने कि वो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर वापस कन्वर्ट कर लो तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। इसके बाद दोनों पे फोर्स कितना लगता था, तो फोर्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 20 न्यूटन, कितनी दे रखी है बेटा 20 न्यूटन। अब क्या करना है, अब हमें फोर्स निकालना है। वायर सर फोर्स तो दी है। अरे बच्चों फोर्स निकालना है तब जब यही दोनों चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस हो वो कितना बढ़ जाए, 25 और हो जाए, 20 में 25 प्लस हो जाए या सिर्फ 25 हो जाए। असली ग्रामर का खेल यहां है, 2 लिखा हुआ है। अगर उसने बोल दिया इंक्रीज्ड बाय 25 सेंटीमीटर तो आपको 20 में और 25 जोड़ दो, लेकिन उसने बोल दिया कि इंक्रीज्ड टू 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब यह हो गया कि अब जो डिस्टेंस रहा वो कितना हो गया, 20 से कितना हो गया, 25, यानी 5 का इजाफा। ये गलती हमेशा बच्चे करते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आपको ये गलती नहीं करनी। तो क्वेश्चन का पूरा रूपरेखा समझ में आ गई, आपको चार्जेस की वैल्यू नहीं दे रही, हमें कोई मतलब भी नहीं क्योंकि हमने चार्जेस को छेड़ा भी नहीं, चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, सॉल्व करें, ठीक। अब देखो वापस सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जब भी आएगा पेपर में तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो आपको पहले Q1, लेट Q1 एंड Q2 आर द टू चार्जेस, ठीक। प्लेस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया सर। फोर्स कितनी थी सर, फोर्स थी कितनी थी बेटा 20, तो 20 न्यूटन की फोर्स थी, K की वैल्यू तो K ही रहेगी, इनटू अब हमारे पास Q1 और ये Q2 दे रखा है, बहुत बढ़िया। अब क्या है Q1 और Q2, अब क्या है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 × 0.2 लो, ठीक है। Q1 और Q2 कूलाम हमने माना है। अभी आप बोलोगे सर दिया ही नहीं आपने, कैसे मान लिया, अरे मान सकते हैं ना यार। अब इसको इधर लेके जाओ, 20 × मैं कुछ भी नहीं सॉल्व करूंगा, मैं कुछ भी सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस K को नीचे लेके आऊंगा और मैं लेके आ जाऊंगा Q1 और Q2 की वैल्यू से इट इज फर्स्ट। मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ Q1 और Q2 की वैल्यू लेके आ रहा हूं सेकंड इक्वेशन में पुट करने वाले अपन। देखो अब क्या हुआ कि इसी में, इसी सिस्टम के अंदर Q1 और Q2 को कितने डिस्टेंस पर कर दिया, अब कर दिया 25 ज्यादा या सिर्फ 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर पर अब डिस्टेंस हो गया। तो अब फॉर्मूला, अब हमें फोर्स निकालना है, तो सर फोर्स कितनी होगी, F पता नहीं, के Q1 Q2 अपॉन कितना डिस्टेंस 25 मतलब 2.5, अरे नहीं रे 0.25 × 0.25, क्यों करा सर, दो बार स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर, ठीक है। अब Q1 और Q2 की वैल्यू यहां से उठाओ और यहां पुट कर दो, देखो F = K × Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, × 20 × 0.2 × 0.2 / K, ये हो गई K, ये K इसका था, Q1 Q2 की वैल्यू 20 × 0.2 × 0.2 / K * नीचे क्या आ गया 0.25 × 0.25, सर खत्म हो गया क्वेश्चन, ले लो, ठीक है। ये हो गया, देखो ये 2 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो 4 जीरो ऐड हो गए ऊपर, और ये 2 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो 2 जीरो और नीचे ऐड हो गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो मर गए, तो कितने बचे 2। अब देखो ये 20 है, ये 20 है 2 और 25, देखो कितने इजीली सॉल्व, पहले तो सॉल्व पूरा मत करना, ये कर देना आप पहले 100 / 25 × 25। अब देखो कितना ईजी हो गया, देखो 100 × 25 = 100, 25 × 1 = 5 × 4 = 25, 5 × 4 = 20, 4 × 4 = 16, 4 × 64 / 5 N का फोर्स लग रहा है, बहुत बढ़िया। इसको आपको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में भी लेके आना हो, कैसे ही फॉर्म में लेके आना हो, आप लेके आ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन करूंगा और ये वाला फिर अगला लास्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, और अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। और जिसको भी समझ में नहीं आ रहा वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सबके कमेंट बॉक्स लेके चलूंगा, क्वेश्चन आंसर Q&A, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया 64/5, एक बार चेक कर लेना कोई गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। तुम लोग करके बताना, अगर गलती हुई तो कमेंट लिख देना, वैसे सही है, चल बहुत बढ़िया।
ये क्वेश्चन सिर्फ कूलम लॉ से रिलेटेड है। अब आप बोलोगे सर ये इसमें दो ही चार्ज काम कर रहे हैं, तीन चार्ज क्यों नहीं है? अगला लेक्चर में वो वाले क्वेश्चन भी आएंगे पॉलीगन वाले। चलिए तीसरा सवाल 640,000 के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अरे मैं अमिताभ बच्चन थोड़ी जो चार ऑप्शन दूंगा। इफ द चार्ज ऑन, मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूँ क्वेश्चन करने का, ध्यान रखना। अगर आपको सिस्टम समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया, टेक्निक आ गई, तो आप ऐसे हलवे सवाल 50 सवाल कर लोगे, 100 सवाल कर लोगे, 1000। इफ द चार्ज ऑन द ईच ऑफ टू स्मॉल स्फीयर इज फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट इज हाफ। क्वेश्चन को दो बार पढ़ो जब समझ में नहीं आता है। इफ चार्ज ऑन ईच टू स्मॉल, पहले तो स्मॉल बोल दिया, बहुत बढ़िया। लेट द टू चार्जेस आर क्यू वन एंड बहुत बढ़िया क्यू टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें दिया है क्या, स्पेयर अ फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट, जो एक्स मान लिया, आर भी मान सकते थे, हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अपार्ट इज हाफ, क्या हाफ हुआ है, डिस्टेंस हाफ हुआ या चार्ज हाफ हुआ है? देखो इफ द चार्ज ऑन ईच ऑफ द टू स्मॉल स्पेयर फिक्स्ड डिस्टेंस, ये तो फिक्स ही रहा, अपार्ट इज हाफ यानी चार्ज को क्या किया है, आधा कर दिया है, यानी अगर पहले क्यू वन क्यू टू था तो अब हो जाएगा क्यू वन बाई टू और क्यू टू बाई टू, और डिस्टेंस, सर डिस्टेंस तो सेम रहेगा, अब इज हाफ, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू विल बी, कितना हो जाएगा पहले से, इजी है, इजी है, देखो देखो कितना समझ में आएगा। देखो पहला ये समझ में आ गया, अब मैं एक तरीके से कर रहा हूं, पहले ये तो पहली कंडीशन निकालेंगे, मैथ्स की तरह सॉल्व करेंगे इसको, बहुत इजी है। एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, बेटा ये तो हमारे पास क्या है, कूलम्स का लॉ, जिसने मैग्नीट्यूड बताया फोर्स का, बहुत बढ़िया सर। एफ इज इक्वल टू के को के रहने दो, के की वैल्यू 9 × 10⁻¹, क्यू वन और क्यू टू रहने दो, क्यू वन और क्यू टू, और डिस्टेंस रहने दो एक्स स्क्वायर, हमने डिस्टेंस एक्स लिया इसलिए। अब इसकी दूसरी कंडीशन में उसने बोला कि क्यू वन बाय टू कर दिया चार्ज, और चार्ज दूसरा जो कर दिया वो क्यू टू बाय टू कर दिया, और हमने डिस्टेंस को क्या मान लिया, उतना ही जितना पहले था। अब फोर्स कितना होगा, तो निकाल लो एफ डैश, अब फोर्स हो जाएगा एफ डैश, फोर्स हो जाएगा जब एफ डैश, तो के क्यू वन बाय टू इंटू क्यू टू बाय टू, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर, यानी आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश। ये थी पहली इक्वेशन, और ये थी, और ये जो दिख रहा है वो भी पहली इक्वेशन दिख रही है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू इसमें डाल दो, तो एफ डैश जो आएगा फाइनल रिजल्ट जो आएगा एफ डैश का, एफ डैश का जो आएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें इसकी वैल्यू एफ रखनी है, यानी पुट द वैल्यू ऑफ वन इन इक्वेशन नंबर टू, तो आ जाएगी एफ इज इक्वल एफ डैश इक्वल टू एफ अपॉन फोर, यानी पहले से जितना फोर्स लग रहा होगा उसका जस्ट चार गुना कम कर दो पहले। सिंपल सी बात भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, अगर चार्ज कम तो फोर्स कम, चार्ज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन कूलम्स लॉ से रिलेटेड, जिसमें सिर्फ दो चार्ज की अपीयरेंस थी, तीसरा इनका फ्रेंड और दुश्मन या जो भी है आएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये होमवर्क चौथा क्वेश्चन आपको करना है, और ये क्वेश्चन अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, और कमेंट बॉक्स में जो जो क्वेश्चन कर लिए हैं, यस सर नो सर क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज डन, बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता दें, फिर मैं उनके कमेंट्स भी ले लूंगा, और फिर देखते हैं फिर क्या होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, और ये क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, और ऐसे ऐसे हजार सवाल आपसे बन जाएंगे, आपको सिर्फ ऐसा यूनिट का ध्यान रखना है, और फॉर्मूला याद रखना है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू याद रखनी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, और पढ़ते रहो बढ़ते रहो। जय हिंद।